उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल देना चाहिए और किसी महापुरुष के नाम पर रखना चाहिए। महामंडलेश्वर का ये बयान अब तेजी से वायरल होने लगा है, इसीलिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट द्वारा सनातन धर्म की पढ़ाई कराए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि सरकार को चाहिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखें। विश्वविद्यालय कोई भी हो, उसमें धर्म संप्रदाय और पंथ नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में सिर्फ शिक्षा का काम होना चाहिए ताकि वहाँ पढ़ने वाले अच्छे और संस्कारी छात्र समाज को मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने में कोई दिक्कत हो तो यूनिवर्सिटी के नाम से मुस्लिम शब्द को तुरंत हटा लिया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा को महसूस करते हुए 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 24 मई 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। ये आजादी के बाद देश के चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था।